हेलो फ्रेंड्स, कैसा महसूस कर रही हैं? एग्ज़ाम के दिन करीब आ गए हैं, क्या आपके घर में भी कर्फ्यू लगा हुआ है? नो मूवीज़, नो टेलीविज़न, नो म्यूज़िक, बातें तेज़ करना अलाउड नहीं, लोगों को बुलाना और कहीं आना जाना अलाउड नहीं, क्या आप भी इतनी ही सख्त पेरेंट हैं? आई टेल यू, आई एम गिविंग अ फ्रेंक कन्फेशन. व्हेन आई वॉज डीलिंग विद द चाइल्डहुड ऑफ माई फर्स्ट बॉर्न, I used to be such tough a parent, and that is why I have learned from my experience, and I want you to learn it from my experience too, that it's not good to be such tough a parent. मैं और मेरा बेटा घंटों पढ़ाई किया करते थे. एग्ज़ाम के लास्ट के दिनों में मैं खुद उसे स्कूल से छुट्टी लेने को कहती थी, क्योंकि स्कूल में मुझे लगता था कि 6 घंटे बर्बाद हो जाएंगे और बेहतर है रिवीजन टेस्ट देने के बजाय हम घर में और स्टडीज़ कर सकें. बिकॉज वी हैड टू पुट इन अ बेस्ट एंड वी हैड टू स्कोर द बेस्ट इन द क्लास, इन ऑल द सेक्शंस, मे बी इफ पॉसिबल इन द स्कूल और वट एवर. आज मुझे पता चलता है एंड आई फील सॉरी फॉर माई सन, हु आई गेव सो रेस्टलेस डेज एंड नाइट्स, मेकिंग हिम स्टडी फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच अंटिल हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स एंड ही कुडंट टेक इट एनी लॉन्गर. येस, ही डिड स्कोर 50 out of 50 और 98 out of 100, बट वॉट, सो वॉट. आज जब वो आगे बढ़ गया है, अपनी स्टडीज हायर स्टडीज के साथ इन्वॉल्व हो गया है, क्या कोई भी उसकी मार्कशीट देख रहा है? क्या किसी ने भी आज तक आपकी मार्कशीट देखी है, आपसे पूछा है कि आपने 12th में या 10th में या 7th में या 8th में या 5th में कितना स्कोर किया? कोई नहीं पूछता. ठीक है, हाँ, when यू मेक योर रेज्यूमे एंड यू आर अपीयरिंग फॉर अ जॉब, यू आर फाइटिंग एन इंटरव्यू, यू नीड टू पुट दोज क्वालिफिकेशंस बिफोर द पर्सन हु इज गोइंग टू चूज यू और रिजेक्ट यू, बट देन अदर देन दैट इट्स नो यूज. Let them learn by their own experiences. Don't be tough on them. I know I was wrong and I don't want you to follow the same pattern. Now with the second child of mine, I am quite liberal a parent and she is more responsible a child. Because what she says, Mama, you want good grades? I'm definitely going to give you that. Because I know when I was a young girl and when I used to fail at maths more often than I did it, my father used to be sad about it. और बोलते थे maths में तो तुम मुझे fail करवाने ही वाली हो. I used to think आप क्यों fail हो रहे हैं, fail मैं हो रही हूँ, और अगर मैं दूसरे subjects में top कर रही हूँ तो मैं top कर रही हूँ, आप नहीं, आप क्यों मिठाई खा के खुश होते हैं? आज पता चल रहा है parenting का क्या मतलब होता है. बच्चों की सक्सेस आपकी सक्सेस होती है और बच्चों की फेलियर आपकी फेलियर होती है. यू फील डिसहार्टेंड बिकॉज यू कंपेयर योर चाइल्ड टू द अदर पीपल्स चिल्ड्रन एंड यू वॉन्ट देम टू एक्सेल दोज. फॉर गॉड सेक, स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन बिकॉज योर चाइल्ड हैज इट्स हिज और हर ओन कैपेसिटी. And you have your own understanding, your own capacity, your own authenticity as a person, and this is what you need to render your child. Exam ka pressure unhe mat dijiye, results ka pressure unhe mat dijiye. Jab aap sunte hain, jab aap akhbaron mein padhte hain ki bacche bura result aane ki wajah se parents ko face na kar paane ke dar se ghar chhod kar bhag jate hain, suicide kar lete hain, डिप्रेशन में चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो भय उनके ऊपर इतना हावी होता है कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, दे पेड सच हैवी फी फॉर अस एंड एवरीथिंग, एंड दैट रियली काउंट्स फॉर देम एज वेल. दे फील ग्रैटिट्यूड एंड दे फील लाइक दे हैव बिट्रेड योर फेथ बाय फेलिंग इन अ पर्टिकुलर एग्जाम एंड दे कांट फेस द म्यूजिक. दे बेटर रन अवे. They feel they better run away. So this is escapism and you have taught them that, because that sword of punishment is always hanging over their heads, which should not. Aapka bachcha in exam se kahin zyada hai, aur apne bachche ko samjhaiye ki life is result se kahin zyada hai, and he is the all you have.
and she is the all you care for. Good result or bad, highest marks or average, the child is going to be loved the same way no matter what. And try to leave it on your child. Like, I talked to my daughter eye to eye and I asked her if she wants me to impose upon her the hours for studies. This time she has to wake up and this time she can talk to friends, she can move out for birthday parties or whatever, and this is the time she needs to sleep at. Or she would like to discipline her own studies her own way, spare her own time for the entertainment and everything. And she preferred the second choice, but obviously. And she is doing wonderful, I tell you. She has been managing her studies very well. She takes out time for her other exercises and entertainment things, and she listens to music, she moves out, she does cycling, she plays with her pet, and I allow her to do everything. Yes, during exams, you heard me right. Because this is how she feels. It's quite normal routine going on. There's no curfew at home. And this is how she can playfully go through this ordeal of exams. Set them free. They know what's good for them. They know that better than we did in our time. Let's rely upon their understanding.